अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने सुना था कि कुछ एक हफ़्ता पहले तकरीबन पीटीए ने पबजी बैन कर दी थी और उसकी रीज़न ये बताई थी कि कुछ बच्चों ने पबजी की वजह से सुसाइड की है और कुछ पेरेंट्स ने, कुछ सोसाइटी में कुछ लोगों ने भी उनको इस इशू में थोड़ा गौर व फिक्र करने का बोला था और जिस वजह से उन्होंने पबजी बैन की थी। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि ये है पबजी के ख़िलाफ़ पिटीशन जो थी वो पीटीए ने दी थी और यही एक और पिटीशनर था जिसने पबजी के हक में, पबजी के फेवर में उसने पिटीशन दी थी कि पबजी बैन नहीं होनी चाहिए। और हम इस सारे सिलसिले में वकार ज़का, डकी भाई, इन सब के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा और उन्होंने भी इसमें पबजी को अनबैन करने में वो भी बहुत अपना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं आपको जो न्यूज़ है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये आप जब भी टाइप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी पबजी बैन की वो डिस्पोज कर दी है। वो उस डिसीजन को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है और उन्होंने पीटीए को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए को ये बोला है कि आप कोई लॉफुल आर्डर, मतलब कि कोई ऐसा लॉ हो, कोई पाकिस्तान का अगर कोई ऐसा लॉ है कि जिसमें कोई ऑनलाइन गेम आप बैन कर सकते हैं या कोई रिटर्न ऑर्डर है तो वो आप लेकर आएँ। ये आपने जो रीज़न दी है ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप पबजी बैन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन मंडे डिस्पोजेस ऑफ पिटीशन अगेंस्ट अ बैन ऑन द प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड पबजी एंड ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम एज इट आस्क द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टू इशू अ रिटन ऑर्डर इन दिस रिगार्ड एज पर लॉ। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, मतलब कि एक उसूल के मुताबिक अगर ये रिटर्न ऑर्डर आप लेकर आएँ, अगर ये पबजी बैन होने का कोई अगर ऐसा लॉ है तो आप वो लेकर आएँ, तो उसके मुताबिक हम पबजी बैन कर देंगे। ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही दिल को ठंडक मिल रही है और आई होप के पबजी विल सून बी अनबैंड। आगे पढ़ते हैं, द पबजी द कंट्रीज़ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट रेगुलेशन सस्पेंड्स पबजी ऑन जुलाई 1 आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये बता रहे हैं कि कंप्लेंट्स कहाँ से आई थी। द पीजीआई रिसीव न्यूमरस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पबजी रिटन wherein it is stated that PUBG's addictive wastage of time and poses serious negative impact on physical and psychological health of the children as statement of the authority has said. It had claimed that suicide have also been attributed to the game in media reports. Honorable Lahore High Court has also directed the PTA to look into the issue and decide the matter after hearing the complaints. In this regard, a hearing is being conducted on 9th of July 2020, it said. तो अब हमें, अब 9 जुलाई का इंतज़ार है, होप के एक मैच्योर डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से और वी होप कि सून पबजी विल बी अनबैंड। तो बहुत ही खुशी की खबर है। आज तो बाहर मौसम भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी होने वाली है, गर्मी भी कम हो गई है। तो आई होप आप सब भी बहुत खुश होंगे और बस हम अब ये दुआई कर सकते हैं कि पबजी पाकिस्तान में अनबैन हो जाए, क्योंकि बहुत ही इमेच्योर डिसीजन था पीटीए का कि उन्होंने पबजी सिर्फ कुछ ही सोसाइटीज़ के कुछ बंदों की वजह से और कुछ ही जो इश्यूज हुए हैं उनकी वजह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान में पबजी बैन कर दी थी। और जो कि उन्होंने जो इसकी उन्होंने जो रीज़न्स दी थी वो भी बहुत ही इमेच्योर रीज़न्स थी कि बच्चों ने सुसाइड कर ली। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कोई भी ऑनलाइन गेम की वजह से कोई भी बच्चा इतना उसका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो सुसाइड करे, और अगर वो करता भी है तो इसका मतलब है कि उसका माइंड इस लेवल का नहीं है, उसके पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठीक दुआ कर सकते हैं कि पबजी बैन ना हो। अल्लाह हाफिज़।